of civics, and this is fourth and last part of this chapter. In our first part of this chapter, we have discussed about what is political party, components of political party, functions of political party, and necessity of political party. In our second part, we have discussed about how many parties should we have, regional and political party. In our third part, we have discussed about national political party, six national political parties. And in our fourth part, we discuss about challenges of political parties. कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मॉडर्न डेमोक्रेसी में करना पड़ रहा है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपके एनुअल एग्जाम में 101% गारंटी है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, how we reforms of political party. Okay, now we start. सबसे पहला जो चैलेंज आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहा है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें जो लीडर है वो जो डिसीजन लेता है वो अपने आप ही ले लेता है। जितने पार्टी के मेंबर्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं और क्या क्या जो आगे होने वाला, आगे आने वाला समय है उसमें क्या क्या होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहा है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। क्या है डायनेस्टिक सक्सेशन से आप क्या समझते हैं? कि जो ऊंचे पद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके ऊपर सिर्फ एक ही परिवार का आधिपत्य रहता है, एक ही परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है, जिसके कारण बहुत ही एक्सपीरियंस पीपल है उस पार्टी के, उन्हें जो है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी पार्टीज में कमी आती है। तीसरा जो मोस्ट जो आपका है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंज है वो क्या है कि हर कोई पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन को जीतने की भूख इतनी बढ़ चुकी है इन लोगों में कि वो मनी एंड मसल पावर का यूज करते हैं। मनी और मसल पावर से मतलब क्या है, वोटों को खरीदते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के लालच देने के साथ साथ लोगों को डराते धमकाते हैं। क्रिमिनल्स जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्यों? बहुत सारे लोग गलत तरीके से मसल का यूज करके, मसल पावर का यूज करके लोगों को डरा धमका कर वोटों को जीत कर सरकार में आकर पैसा कमाना चाहता है। जो आपका लास्ट चैलेंज है, फोर्थ चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, फोर्थ जो चैलेंज है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहा है वो है डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। कि एक बेहतरीन चॉइस जो है हमारे वोटर्स के सामने अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रख पाती है। बेशक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है वो हुई है, जैसा कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, लेकिन ये इलेक्शन में जीतने की होड़ ऐसी चली कि ये सब अपनी जो मुख्य जो आइडियोलॉजी थी उसको भूलकर सबकी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी हो गई है, जिसके कारण लोगों को जो अपना नेता चुनना है उसको चुनने के लिए अलग अलग च्वाइसेस उसके पास नहीं है। चाहे चेहरा बदल जाए लेकिन उनके जो उद्देश्य है वो लगभग एक जैसे ही हो गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन चैलेंजेस से किस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को बचाया जाए या इनको क्या है सुधार किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका कोर्ट है उसने एक कानून बनाया जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये दल बदल विरोधी कानून बनाने के बाद जो मेंबर एक बार इलेक्शन में खड़े हो जाते थे और फिर एक मिनिस्ट्री की पोस्ट, एक मिनिस्टर की पोस्ट और पैसे के लालच में जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में चले जाते थे, उस पर रोक लगाई गई है। उसके सेकंड है कि हम क्रिमिनल्स को किस तरह से अपने पॉलिटिकल सिस्टम में आने से रोक सकते हैं। उसके लिए कोर्ट ने एफिडेविट का रूल दिया है कि हर व्यक्ति जो किसी भी पार्टी का मेंबर बन रहा है या इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो वो अपना एफिडेविट जमा कराए। एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र होता है कि उसमें लिख
जितने भी पर्टिकुलर्स अपने बारे में लिखे हैं वो सभी सत्य है, इस बात की गवाही जो है वो कैंडिडेट स्वयं देता है। एफिडेविट का प्रोसीजर जो है आपकी कोर्ट ने किया है इसके सुधार के लिए। थर्ड है टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके इंटरनल इलेक्शन कंपल्सरी कर दिए जाएं। उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके लीडर या जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनको इलेक्ट किया जाए या चूज किया जाए। जो नेक्स्ट जो रिफॉर्म है वो क्या है, आपका जो सीट्स जो है, जो टिकट दी जाती है उसमें जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसमें वुमेन कैंडिडेट्स को मिनिमम सीट है 1/3% सीट जो है आपकी वुमेन्स की जो है उसमें क्या करनी चाहिए, रिजर्व करनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, एक और जो लास्ट रिफॉर्मेशन का तरीका बताया वो है स्टेट फंडिंग, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने लास्ट इलेक्शन की परफॉर्मेंस के आधार पर जो भी फंड दिया जा रहा है एक्सपेंस के रूप में जो फंड दिया जा रहा है वो स्टेट खुद दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे यूज करके ये लोग जो है जो वोट खरीदते हैं या दूसरे जो है अनफेयर मीन्स जो ये यूज करते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो स्टेट फंडिंग करे ताकि उनकी पेट्रोलिंग और पेपर पोस्ट जो है उसको कोई किया जा सके, इस तरह से वो उनकी जो है स्टेट जो है उनको फंडिंग कर सकता है। ये रिफॉर्मेशन के उनके तरीके हैं, लेकिन ये रिफॉर्मेशन के तरीके तभी काम आएंगे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर सुधार करना चाहे। सुधरने के तरीके कई होते हैं, लेकिन सुधरने के तरीके तभी काम आते हैं जब आप स्वयं अपने अंदर सुधार करना चाहें। जब ये पॉलिटिकल पार्टी इंटेंसली अपने अंदर रिफॉर्म करना चाहेंगी तभी इनमें से किसी ना किसी भी तरीके को अडॉप्ट करेंगी और अपने अंदर सुधार लेकर आएंगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके अंदर ऐसा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जरूरी है कि हर आम आदमी को, हर कॉमन पीपल को जो है इसके लिए रिफॉर्म करने की आवाज उठाई जाए। जितनी भी पार्टी इसमें कमियां हैं उनको क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, तो हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रिफॉर्म कर ले। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।